बुधवार को सिद्धमुख में श्री गोरखनाथ महाराज मंदिर के अंदर नौ नाथों की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इससे पहले दिन पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इस अवसर पर शिवसेना के उप प्रधान हैं भारतदीप ठाकुर हैं जो पंजाब से हैं वो भी पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर साधु संत जो महात्मा आए थे उनको यहाँ पर उन्होंने लंगर खिलाया और साथ ही माथा वहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज की मंदिर में टेका और यहाँ पर उन्होंने सेवा की। इस मौके पर यूपी से भी कई संत हैं महात्मा हैं वो पहुंचे और पूरी जानकारी मैं बात करूं तो पूरी जानकारी यहां पर इतिहास की हमने कहीं ना कहीं साझा की है दर्शकों के साथ, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और गोरखनाथ जी महाराज मंदिर कब से सिद्धमुख के अंदर है और इसका इतिहास पूरा क्या है, ये पूरी जानकारी हमने अपने दर्शकों के लिए एक बनाया है वीडियो, ये इसमें रिपोर्ट है वो पूरी दिखाएंगे। इससे पहले जो शिवसेना को प्रधान है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब साधु संतों को आप भोजन करा रहे हैं। अभी मेरे साथ यूपी से आए हैं मुजफ्फरनगर से राम मेहर जी शर्मा है और यहाँ पर नौनाथों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और कल शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। पूरे कार्यक्रम जानने की कोशिश हम करेंगे गुरु जी से, यहाँ के इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और गुरु गोरखनाथ जी का इतिहास है वो संपूर्ण जानने की कोशिश हम करेंगे। गुरु गोरखनाथ जी का सर, गुरु गोरखनाथ जी का इतिहास के बारे में थोड़ी सी समझ है कि आज तकरीबन 800-900 साल पहले जब वो ददरेवर के यहाँ राजा जेवर के यहाँ आए, उनकी पत्नी को संतान नहीं थी, तो वहाँ उनकी रानी ने बड़ी अच्छी सेवा करी। वैसे इतिहास तो बहुत लंबा है कि चंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको से बताने की। तो वहाँ वरदान में उनकी एक बहन थी, उसके द्वारा छल हो गया था और छल होकर के उसने गोरखनाथ जी का अपमान किया था कि आप मेरे राज में नहीं रह सकते। तो वो रात को निकल करके, ये उस समय बियाबान जंगल हुआ करता था, यहाँ कोई नहीं रहता था, तो उस समय वो यहाँ के अपना रात काटने रुक गई। लेकिन पीछे पीछे जब उसको सच्चाई का पता चला बाछल जी को, वो भी उनके पीछे पीछे यहाँ पहुँच गई थी। तो यहाँ आकर के वरदान वो दे चुके थे, अपना जो तप तप था वो दे चुके थे। बाद में उन्होंने अपने तप से उन्हें जो दोबारा वरदान दिया, उसमें एक उग्र भस्मी होती है, आयुर्वेद में भी उसका जिक्र है, वो संतान प्राप्ति में काम आती है, वो उनको दी सिद्ध कर करके, इसलिए इस स्थान को सिद्ध कहा गया। जिनके मुख से यहाँ अच्छी वाणी निकली, इसलिए इस धाम को सिद्धमुख धाम कहते हैं। और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जब जब यहाँ आता हूँ कि मैं चाहे जनता का सहयोग करूँ, जब परमात्मा मुझे दे उसके द्वारा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जन सहयोग से धर्मार्थ कार्य होते रहे। आज क्या कार्यक्रम पूरा रखा गया? आज कार्यक्रम सुबह के समय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, कल परिक्रमा हुई थी, उसके बाद हवन यज्ञ का प्रोग्राम रहा और अब जन साधारण के लिए भंडारे का प्रसाद का प्रयोग है। गुरुजी आप यूपी से चलकर मुजफ्फरनगर से यहाँ पर पहुँचे तपोभूमि पर, किस प्रकार की कितने सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं फिलहाल आप? मैं 35 साल हो गए मुझे यहाँ से जुड़े हुए। हाँ। आपको 35 साल हुए और अब नौ नाथों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हाँ। है और 35 सालों से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहले ऊपर जो मूर्ति रखवाई थी गुरुनाथ जी की। वैसे इस शहर की बात करूं और कस्बे के आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, ज्यादातर लोग हैं इस आस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगा। मैंने पीछे विधानसभा चुनाव में भी सरकार को भी अवगत कराया था कि इतना बड़ा आस्था का केंद्र होने के बाद भी सरकार इस मंदिर की ओर ध्यान नहीं दे रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी विरासत नहीं बचा पाए तो हमारे पढ़े लिखे होने का और राजनेता बनने का या एक अच्छा टीचर बनने का कोई फायदा मुझे नहीं लगता। जिस घर की विरासत उजड़ जाती है, उन घर के नामो निशान उजड़ गए, आज वो उनका नामो निशान कहीं देश में नहीं है। मुगलों ने हमारी रियासत उजाड़ी लेकिन वो अपनी भी नहीं बना पाए यहाँ, आज उनके परिवार में कोई लेने देने वाला नहीं है। तो ये हमारी विरासत है। और छोटी मोटी नहीं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आपको इस विषय में, यहाँ कि हमारी सृष्टि में 3 बार ऐसा हुआ कि जिसमें सृष्टि के सभी देवता एक मकसद से एक स्थान पर इकट्ठे हुए हो। एक तो महाराज शिव जी की बरात में हुआ था ऐसा कि सभी लोग गए थे उस बरात में, और एक जब महाभारत में श्री कृष्ण जी को मजबूरी में भीष्म पितामह चक्र उठवा दिया था, तो उस लीला को देखने के लिए सब देव आए थे कि कभी कभी जवान से ईश्वर भी हार जाता है। और ऐसा ये वो स्थान सिद्धमुख है पूरे भारत में कि यहाँ भी गोरखनाथ जी ने अपना वचन पूरा करने के लिए दोबारा सबको एक साथ इकट्ठा किया, एक मकसद से वो काम सिद्ध किया, इसलिए ये धाम सिद्धमुख धाम कहलाता है।
ठीक है। मैं बात करूं तो मैंने पीछे भी आपको दिखाने का प्रयास यहां पर किया था कुछ महीने पहले। आज भंडारा है, नौनाथों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके चलते साफ सफाई अच्छी तरीके से हुई है। लेकिन पीछे की बात करूं तो आमतौर पर इस मंदिर को है कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती, ना तो कोई गद्दी वाला यहाँ पर देखता है, ना ये जो बड़ी बड़ी कोठी में नेता बैठे देखते हैं। क्या इनका भी कहीं फर्ज नहीं बनता कि इतनी बड़ा आस्था का केंद्र है और इस तरीके से उसको कहीं ना कहीं विकसित करके ये पर्यटक स्थल भी एक बनाया जा सकता है, जिस पर हजारों की संख्या में दूर से श्रद्धालु आएंगे, लाखों की श्रद्धालु आएंगे, और जिससे कहीं ना कहीं शहर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार ही मिलेगा, हमारी धरोहर बची रहेगी। दूसरी बात, जब सरकार अलग अलग पर्यटन स्थल करती है, लेकिन वो इसलिए करती है कि वहाँ बड़े बड़े गद्दीधारी बैठे हैं। ये जरूरी नहीं कि छोटी गद्दी पे बड़ा गद्दीधारी बैठे, महत्ता उसकी भी उतनी ही होनी चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, और यहाँ की जनता से भी करता हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, आप कल रहे ना रहे, इस विरासत को बचा कर रखें और बढ़ाएं। मैंने साफ साफ तौर पर उन गद्दीधारों का नाम लिया है जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, जो अपना वोट बैंक के लिए तो एक बार आ जाते हैं लेकिन बाद में इन विरासतों की तरफ कभी वो झांक कर भी नहीं देखते। इनको सिर्फ और सिर्फ इस हाल में छोड़ दिया जाता है, कोई नहीं मानता, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सब लोग यहां पर हर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो अपने आराध्य मानते हैं, लेकिन उस चुनाव के बाद में कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस ओर सरकार, यहां के लोकल नेता है, वो भी ध्यान अपना केंद्रित करें, कहीं ना कहीं यहां पर है थोड़ा सा है इस मंदिर को डेवलप करके और बड़ा बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को यहां पर रोजगार है वो मिल सके। और देखिए लोगों की सब यही देखिए व्यथा है, क्योंकि कोई ही नहीं सुनता इनकी, लेकिन हमारी छोटी सी एक अपील है कि इस मंदिर की ओर भी इनका ध्यान है वो होना चाहिए। अब देखो ये बात योगी तक जाए या मोदी तक जाए तो अयोध्या का सुधार वैसा सिद्धमुखा हो जाए, नहीं तो हमारे यहाँ एक सेठ ऐसा जन्मा है मनीष जी, जिसने कॉलेज मंदिरों का काम चलते ही अपने टीम से करवाता है साहब, ऐसा भागी बंदा नहीं है। कॉलेज स्कूल गौशाला जोड़ बहुत काम किए उसने, उसको तो एक ही घंटा लगेगा, अरिब कॉलेज की बिल्डिंग को भी फोड़ के और दोबारा चिन्ह रहे, उसके पास ये बात चलेगी हम गांव के उसका स्वागत करें तो वो व्यक्ति कार्य सिद्ध कर सकता है। वो सेठ है वही करेगा, हम और आप नहीं, सब करेंगे, जितनी क्षमता है उतना करते रहना चाहिए, मेरी इच्छा है, मैं पहले भी ये बात दोहराई अभी भी, हम रहे ना रहे जब तक है जितना आपसे श्रद्धा है उतना डेवलप अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 100 साल की उम्र दे था, ठीक है सर, धन्यवाद।